स्कूल छोड़ने का अनुपात कम हुआ है, ऐसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन इस साल स्कूल शुरू होने के बावजूद परिवहन सुविधा की मंजूरी नहीं दी गई है। पिछले साल से चल रही सुविधा को भी बंद करने के आदेश से अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। कई गांव में केवल 1 से 5 स्कूल हैं। ऐसे बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए आसपास के गांव में स्कूल जाते हैं, जबकि दूसरे गांव या स्कूल से दूर रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं शर्तों के अनुसार वाहन मिलना मुश्किल है। प्रधानाध्यापक, SMP एवं जनता के सहयोग से दूर दराज से आने वाले गरीब बच्चों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्कूल संचालक इस बात से भी नाराज है कि व्यावसायिक बीमा अनिवार्य किया जा रहा है। बच्चों और अभिभावकों की मांग है कि स्कूल परिवहन सुविधा तुरंत शुरू की जाए। स्कूल मवापुर, अंबावड़ी, रामपुरा आदि गांव से 4 किलोमीटर दूर है। GIDC के आसपास के क्षेत्र के बच्चे यदि स्कूल जाने के लिए पैदल चलते हैं तो गौचर GIDC क्षेत्र जैसे दुर्गम क्षेत्र सड़क पर भारी वाहन बेतरतीब ढंग से चलते हैं। सड़क पर जुलजाम सुफलाम खुली नजर नहर है, जहां बच्चों को भेजना खतरनाक है। अकेले स्कूल चलना सिद्ध किया जा सकता है। माता पिता और बच्चों की मांग है कि स्कूल परिवहन सुविधा शुरू की जाए या स्कूल समय के दौरान सरकारी बस के समय में बदलाव किया जाए, जो सुबह 9:30 बजे प्रांतीय से शुरू होकर वाया मेड़ी मुआड़ी तालोद और शाम 5 बजे तालोद से शुरू होकर तालोद वाया बेनी मुआवड़ी प्रांतिज तक हो। यात्रियों सहित मावापुर, अंबावाड़ी, रामपुरा, GIDC, गौचर के बच्चों को तालाद गांव या तालोद बाजार में स्कूल जाने के लिए बस की सुविधा मिलेगी। अभिभावकों ने कहा कि वे संबंध में तदारश्री को शिकायत पत्र सौंपेंगे। नमस्कार, ટ્રાન્સપોર્ટેશન ની સુવિધા હતી અને અત્યારે સરકારે બંધ કરી દીધી છે, તો અમારી એવી માંગ છે કે અત્યારે ને અત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ની સુવિધા શરૂ કરવામાં આવે, કારણ કે અમારે આટલી ગરમીમાં ચાલવું પડે છે।